अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपने चैनल के ऊपर आज का व्लॉग हम लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा कि आज का दिन कैसा गुजरा। दोस्तों ये देखो, ये बॉक्स है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है और कैसे गुजरा। दोस्तों सुबह उठते ही जो है ना, सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया और तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, उन्हें वोट चाहिए होते हैं, वो हमें ले गए पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो वोट कास्ट किया, ये देखो ठीक है। यहाँ पर जो है वो जनरल काउंसिल, इस तरीके से तहसील नाजम वगैरह हो गया या यूथ काउंसलर, ये इनके वोट वगैरह चल रहे थे ना, उनकी इलेक्शन था, तो वो वोट कास्ट किया। उसके बाद सीधा चला गया हरिपुर, ठीक है। हरिपुर के ऊपर जो है वो मैं एक नई शॉप है वो खुली थी जुलपुरी के नाम से, ठीक है। इससे पहले ये ब्रांड मैंने देखा था यकटाबाद के अंदर, मैं जब 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पर जैतून प्लाजा एक है मिजाइल चौक के पास, वहाँ पर मैंने जो है ना ये विज़िट की थी, अच्छी मुझे लगी थी। यहाँ मैंने सोचा इसको देखूँ क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपको साइड पे अगर नज़र आ रहा हो तो छोटी सी मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी, मैंने कहा वो अपने दोस्तों को बता दूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने उनसे पूछ के रिकॉर्डिंग की थी। मैंने कहा यार दोस्तों को भी बताऊँ और घर में भी दिखा दूँ कि देखो यहाँ पर कैसी कैसी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, ख़ासतौर पर ये जो मर्दाना और बच्चों के और लेडीज़ के जो सूट्स वगैरह ना काफ़ी अच्छे थे। तो विज़िट के दौरान काफ़ी चीज़ें मैंने देखी जिसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, रीज़नेबल भी थी, उसके ऊपर डिस्काउंट भी ज़रा लगा हुआ था। वो ये था कि पूरे सीज़न के अंदर मैंने किसी किस्म की गर्म जो है ना वो ऊपर से पहनने वाली जो चीज़ है वो नहीं ली। तो मैंने क्या किया जनाब, ये जो थी जुलपुरी की ये चीज़ मैंने ख़रीदी, फ्लीस की बनी हुई ये जो आपके पास है कोट, ये ख़रीदी, ठीक है। ये मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, तो साइड पर जा के पहनता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी जनाब, दोस्तों ये जनाब मैं लेके आ गया हूँ, ये वाली चीज़ मैंने ली है कोट की बनी हुई। अभी थोड़ी नज़र कमज़ोर है, जल्दी से जो है वो पहन के पहन लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी तो नज़र आए। ये देखो ये हुड जीन्स के ऊपर से पहनने के लिए, ये इंशाल्लाह ताला कल मैं पहन के आऊँगा, कहाँ जाऊँगा अपने कॉलेज। तो बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट स्टफ़, और इसमें और इतने ज़्यादा कलर मौजूद नहीं थे, ब्लैक कलर था और रेड कलर में था जो मुझे पसंद नहीं था, ये लाइट सा कलर था। इसके नीचे इंशाल्लाह ताला जीन्स की पैंट और ऊपर से ये, और इसमें सबसे बड़े मज़े की बात ये हुड, ये देखो जी लग रहा है ना बंदा ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा तो इसकी कीमत कितनी है दोस्तों, कीमत मैं आपको बता देता हूँ, ये 1800 1850 की थी, 30% ऑफ के ऊपर मुझे मिली तकरीबन 1450 रुपये की। ये सबसे अच्छी बात जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये लोग इनकम टैक्स सेल टैक्स या GST जो भी ये पे करते हैं उसकी पर्ची नहीं देते, तो इसके ऊपर FBR की पर्ची भी साथ मौजूद है, यानी हर जो है वो जो चीज़ प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है ये वाले देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो अच्छी लगी मुझे चीज़ें। कुछ और स्टफ ऐसा था जो गर्मियों का था, जैसे टी शर्ट्स वगैरह हाफ बाजू वाली अच्छे कलर में मौजूद थी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला उनको कहा है कि मैं विज़िट करूंगा, ज़रूर लूंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आज के व्लॉग की, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।